पांच यूनिक बिजनेस आइडियाज जो कि आप 50-60 हज़ार के इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो, जिन फील्ड्स में कोई भी मार्केट लीडर नहीं है। और सबसे क्रेजी बात है कि यार इसमें आप करोड़पति तो छोड़ो, $1 बिलियन का बिजनेस बना सकते हो। पूरा वीडियो डिटेल में जरूर देखना, चौथा वाला आइडिया बिल्कुल मत मिस करना क्योंकि सबसे ईजिएस्ट है, वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाली है। जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। पहली जो इंडस्ट्री है इसमें इंडिया का मार्केट साइज 200 करोड़ का है, और इसमें कोई इंडियन बड़ा प्लेयर तो छोड़ो, ग्लोबल प्लेयर भी नहीं है जो कि इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहा है। इसमें वैसे एक शिवन एंड नरेश का ब्रांड है जो कि 2010 में शुरू हुआ था, और मार्जिन सुन के आपका भी दिमाग फट जाएगा क्योंकि 60-70% तो छोड़ो, 100-200-300% तक का मार्जिन इसमें आप रख सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ स्विमवेयर सेगमेंट की। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में ट्रैवल इंडस्ट्री काफी ज्यादा बूम कर रहा है और यहाँ पे लोगों को बीचेस जाना पसंद है, बट इंडिया में कोई बड़े स्विमवेयर ब्रांड्स नहीं है, बाहर के भी कोई बड़े प्लेयर्स इंडिया में ज्यादा है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि यार अगर बाहर के स्विमवेयर ब्रांड्स लेके भी आओ इंडिया में, वो इंडियन बॉडी टाइप को सूट नहीं करती है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ वुमेन्स स्विमवेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेन स्विमवेयर वाला भी काफी बड़ा मार्केट है, एंड सिर्फ शॉर्ट्स बिकिनी ये सब ही नहीं बल्कि सर्फिंग सूट्स इत्यादि पे भी आप प्रोडक्ट्स बना सकते हो। अब यूजुअली सिर्फ शॉर्ट्स ही यहाँ पे मिनिमम 3-4 हज़ार रुपए से शुरू होते हैं, और अगर आप बढ़िया सा स्विमवेयर सूट लें तो 7-10 हज़ार रुपए लग ही जाते हैं। अब इसमें आपको क्वालिटी और डिजाइन दोनों में बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। डिजाइन आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, फिटिंग अच्छी होनी चाहिए, और क्वालिटी में आप नॉर्मल मटेरियल नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि स्विमवेयर है तो क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए। कुछ ब्रांड्स हैं जैसे कि इकोनॉयल टाइप के मटेरियल यूज कर रहे हैं जो कि वेस्ट फैब्रिक, फिशिंग नेट्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट से बना है, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है प्लस सस्टेनेबल भी होता है। ये काफी बढ़िया मार्केट है, एंड इसमें अगर आप प्रीमियम सेगमेंट को क्रैक कर पाते हो तो भैया बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट तो यार 15-20% साल का ग्रो कर ही रही है। अच्छा ब्रांड बनाया तो भैया ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 40-50% भी हो सकती है। ये बताओ कि क्या कॉमन है संजय दत्त, डेडपूल एक्टर रैन रेनॉल्ड्स, ड्वेन द रॉक जॉनसन, कॉनर मैकग्रॉर में? क्रेजी चीज ये है कि इन सब के खुद के अल्कोहल ब्रांड्स हैं। अब अल्कोहल का मार्केट इंडिया में 4 लाख करोड़ से ज्यादा है, बट उससे क्रेजी फैक्ट ये है कि अगले 10 साल में ये मार्केट डबल से भी ज्यादा होके 9 लाख करोड़ रुपए क्रॉस करेगा। अब इंडिया में लोगों को लगता है कि यार सिर्फ बियर और विस्की वो भी सस्ते वाले चलते हैं, बट अब कस्टमर्स काफी प्रीमियम डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स की डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो जिन, रम या टेकीला हो। इंटरेस्टिंगली कई सारे नए ब्रांड्स इन फील्ड्स में आ रहे हैं। हमने समसारा के फाउंडर का भी इंटरव्यू किया है जिन्होंने बोला कि जो पिंक जिन है ना उनका काफी पॉपुलर है। और आप खुद सूला वाइनयार्ड्स का एग्जांपल देख लो यार, इंडिया में वाइन कोई नहीं पीता था बट उन्होंने इतना बढ़िया कल्चर बनाया, एंड अब तो यार उनका IPO भी हो चुका है और अभी मार्केट कैप 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो अब कस्टमर्स की डिमांड है प्रीमियम हाई क्वालिटी डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स की। और बाहर अगर आप देखेंगे काफी सारे सेलिब्रिटीज एंटरप्रेन्योर्स के साथ कोलैबोरेट करके अपने अल्कोहल ब्रांड्स निकालते हैं, चाहे वो ड्वेन द रॉक जॉनसन का टेकीला ब्रांड हो या MMA फाइटर कॉनर मैकग्रॉर का प्रॉपर नंबर 12 विस्की हो। वैसे ही डेडपूल एक्टर रैन रेनॉल्ड्स ने भी अपना एविएशन जिन को 5,000 करोड़ से भी ज्यादा में बेच दिया है Diageo को। तो ये सेलिब्रिटी के साथ कोलैबोरेट करके अल्कोहल ब्रांड लॉन्च करना काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए आप देखेंगे संजय दत्त ने अपनी ग्लेनवॉक विस्की लॉन्च करी है। क्रेजी चीज ये है कि इंडिया का 3rd largest बियर ब्रांड एक्टर डैनी डेंजोपा ओन करते हैं। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में उनके डैंसबर्ग बियर का डिमांड काफी ज्यादा है, बट मुझे लगता है कि जो इंडिया के लोकल अल्कोहल है ना उसमें काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। जैसे गोवा की फेनी हो गई, वैसे ही केरला का टॉडी हो गया, छत्तीसगढ़ का महुआ हो गया, और भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उनके अलग लोकल अल्कोहल हैं। इससे काफ़ी बढ़िया ब्रांड बन सकता है क्योंकि अगर आप देखेंगे शैम्पेन फ्रांस के एक छोटे से रीजन में ग्रो होता है, आज उसकी कितनी ज़्यादा डिमांड है। वैसे ही टेकीला सिर्फ मेक्सिको के छोटे पार्ट में ग्रो होता है, वो भी ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इंडियन लोकल अल्कोहल को भी अगर हम प्रीमियमाइज करें तो काफ़ी बढ़िया ब्रांड्स बन सकते हैं। ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशन है, बट सूला वाइनयार्ड्स ने दिखाया है कि अगर आप सही से काम करोगे ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब जो नेक्स्ट आइडिया है उसका मार्केट इंडिया में 50,000 करोड़ तो है ही, बट अगेन अगले 10 साल में डबल से भी ज़्यादा मार्केट साइज हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ आईवेयर मार्केट की। और आप बोलोगे तो भैया लेंसकार्ट, टाइटन आई प्लस ये तो ऑलरेडी इतने बड़े प्लेयर बन गए, अब हम इनके साथ कम्पीट कैसे करें? अब यार इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, मतलब करीब 30 करोड़ लोगों को आईवेयर सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, जिसमें हार्डली 10-12 करोड़ को ही प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड अभी इतने बड़े प्लेयर्स आने के बाद भी 80% मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। तो अगर आप प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करते हैं, जिसमें जिनको सनग्लासेस चाहिए, पोलराइज्ड ग्लासेस चाहिए, एंटी ग्लेयर सनग्लासेस चाहिए, इस मार्केट को अगर आप टारगेट करते हैं तो काफ़ी बढ़िया बिजनेस बना सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि यार इस फील्ड में एसएलओआर सबसे बड़ा प्लेयर है, जिनके पास क्रिजाइल लेंसेज से लेके
चश्मों के ब्रांड्स भी हैं। और जैसे कि आपको पता है आईवेयर मार्केट में मार्जिन बहुत ज़्यादा है, मतलब 100-200% तो छोड़ो, 1000% तक का भी मार्जिन हो सकता है। अब इसमें अगर आप प्रीमियम मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको डिज़ाइन और क्वालिटी पे फोकस करना है। अगर आप थोड़े डिफरेंट टाइप के सनग्लासेस बना सकते हैं, मान लो बैम्बू बेस्ड सनग्लासेस जो कि काफ़ी सस्टेनेबल भी हैं, तो उससे आप काफ़ी बढ़िया मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कलर्स और यूनिक एंड डिफरेंट डिज़ाइंस पे ज़रूर फोकस करें, क्योंकि वही आपको डिफरेंशिएट करेगा मार्केट से एंड उसी के बेसिस पे आप प्रीमियम चार्ज कर पाएंगे। अब ये सब आइडिया देख के आपको लग रहा होगा कि भैया इन सारे आइडियाज़ में तो हमको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, बट उसके लिए तो यार कोडर डेवलपर ये सारी चीज़ ज़रूरत है एंड उसमें फिर फालतू का खर्चा काफ़ी बढ़ जाएगा। बट ऐसा नहीं है, आप होस्टिंगर का AI वेबसाइट बिल्डर यूज़ कर सकते हैं। अब होस्टिंगर होस्टिंग तो प्रोवाइड करता ही है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, बट फीचर्स उनके काफ़ी ज़बरदस्त हैं। मतलब 69 rupees पर मंथ में प्लान शुरू हो जाते हैं एंड इनके प्लान्स में कई सारे ज़बरदस्त फीचर्स जैसे फ्री ईमेल, फ्री डोमेन, अनलिमिटेड SSL ये सब इंक्लूडेड हैं। बट इनका AI वेबसाइट बिल्डर ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। हमने खुद अपना सनग्लासेस ब्रांड OG सनग्लासेस ये AI वेबसाइट बिल्डर से हार्डली 10-15 मिनट में बना दिया था। मतलब पहले आप टेम्पलेट्स में चूज कर लेना कि यार किस टाइप की आपको वेबसाइट बनानी है, उसके बाद कौन से मार्केट को टारगेट कर रहे हो वो लिखोगे तो ये टेक्स्ट सजेस्ट कर देगा, इमेजेस सजेस्ट कर देगा और अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप चेंजेस भी कर सकते हो। एंड इसके अलावा होस्टिंग का 24/7/365 चैट सपोर्ट तो है ही, कभी भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो भैया होस्टिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना। मिनिमम 12 महीने का तो प्लान ले ही लो, 48 months के प्लान में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है। और हाँ, अगर भैया आप पर्सनल ब्रांड बनाना है या ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो भैया वेबसाइट तो चाहिए होगी एंड इसके लिए होस्टिंगर बेस्ट सोल्यूशन है। अब आ गए हम इजीएस्ट बिजनेस आइडिया पे, जो कि आप घर बैठे 4-5 हज़ार रुपये में शुरू कर सकते हो। ये भी $1 billion का मार्केट है। मैं बात कर रहा हूँ टोट बैग्स का। ये यूजुअली हैंड बैग्स होते हैं जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर आप देखेंगे जैसे ये जे वॉकिंग का टोट बैग है, ये 10,000 से भी ज़्यादा का महंगा है। ऐसे डिज़ाइनर वाले टोट बैग्स तो काफ़ी महंगे हो ही रहे हैं, बट अगर आप अच्छे क्वालिटी का सस्टेनेबल मटीरियल से घर पे ही ऐसे हैंड बैग्स बनाएंगे तो आप आराम से इसको ऑनलाइन बेच सकते हैं। चाहे वो कॉटन से बनाएं, जूट से बनाएं, इस पर थोड़े बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर देना, अच्छे से पेंट कर देना एंड अच्छे खासे प्राइस पे आप बेच सकते हो। एंड इसमें आपको कोई लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत नहीं है। अब इसको और डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप जो इंडियन आर्ट फॉर्म्स है, चाहे मधुबनी पेंटिंग हो, पटचित्र हो, हर स्टेट का अपना अलग आर्ट फॉर्म है, उन आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके यूनिक डिज़ाइन बना सकते हैं एंड ये फिर सही ब्रांडिंग के बेसिस पे अच्छे प्राइस पे आप बेच सकते हो। एंड क्योंकि अब लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगी। बट टोट बैग वाला मार्केट काफ़ी तेज़ ग्रो हो रहा है, इसमें कोई मार्केट लीडर नहीं है, तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि घर से ही शुरू हो जाएगा। आखिरी आइडिया है अपना स्पोर्ट्स एथलीशियर ब्रांड बनाना। अब इंडिया में यार ये प्यूमा, एडिडास, नाइकी, रीबॉक ये सब तो काफी चल रहे हैं, बट इंडियन एथलीशियर ब्रांड्स कोई नहीं है। ऑफ कोर्स काफी सारे ब्रांड्स अभी कोशिश कर रहे हैं, जैसे ब्लिस क्लब हो गया, एजिलिटी स्पोर्ट्स हो गया, बट कोई भी बड़ा नहीं बन पाया। और ये जो एथलीशियर सेगमेंट है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है दुनिया का। अब तो यार बाहर काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि लूलूलेमन, अंडर आर्मर, जिमशार्क ये सब बन गए हैं। एंड क्योंकि इंडिया का मार्केट इतना ज़्यादा है एंड सब अब एक्टिव रहना पसंद करते हैं, बट कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, तो ये एथलीजर सेगमेंट में बहुत बड़े ब्रांड्स बनेंगे। चाइना में भी ग्लोबल ब्रांड्स बन रहे हैं, तो अगर इंडिया में भी कोई अच्छा ब्रांड बनाता है ना, तो सही में ये इंडिया से एक ग्लोबल ब्रांड निकल सकता है। ऑफकोर्स शिव नरेश, इन सारे ब्रांड्स ने कोशिश करी है, बट यार वो अभी तक उस स्केल में पहुँच नहीं पाए, तो इसमें बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसपे अगेन आपको फिट एंड फंक्शन दोनों पे ध्यान देना है, तो इनिशियल आपको R&D भी लगेगी, बट डिज़ाइन में भी फोकस करना है सो दैट ये जो आप बड़े MNCs है ना, इनके साथ कम्पीट कर पाएँ। बट आई बिलीव कि यार ये भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है एंड अगर आप एक सेगमेंट को टारगेट करके अगर बनाते हैं, जैसे ब्लिस क्लब ने वुमेंस लोअर वेयर पे ही फोकस किया है एंड काफ़ी ग्रो किया है, ऐसे अगर एक सेगमेंट स्पेशली मेंस सेगमेंट, क्योंकि मेंस एथलीजर मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है इंडिया में, तो आप अच्छा खासा स्टार्टअप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 5 unique ideas जिस पर आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो यार अभी भी 4th सबसे ईजी है, बाकी आपको सबसे मस्त आइडिया कौन सा लगा, इसके पिछले वीडियो में हमने 5 food-based ideas डिस्कस किए थे, तो वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि ये हम सीरीज कंटिन्यू करें, तो भैया वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। और हाँ यार, होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको चेकआउट करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना।